और पीपल का पेड़ जहां लगता है वहां से हवा आती है, ऋण आयन बनाती है। और गर्मी के मौसम में तो आशीर्वाद रूप है। वैसे भी हार्ट के बीमारियों को और बोंदू विद्यार्थियों को भी पीपल की हवा बहुत सुखदायी, पीपल का स्पर्श। खैर ये सात बातें, फिर अपन इधर आते, एकाग्र होना चौथी बात, पांचवी बात प्राणायाम करना, छठी बात मौन रखने का अभ्यास करो। वाणी बोलने से शक्ति का ह्रास होता है, संभोग करने से जो सार तत्व शरीर का नाश होता है वही वाणी बोलने से सार तत्व शरीर का खर्च होता है। जैसे तेल धुल गया तो घाटा हुआ और दिए में तेल जला तभी भी खर्च तो होता है, ऐसे ही संभोग से मानो तेल धुल गया और वाणी बोलने से माना दीपक जलने में तेल खर्च हो रहा है। शरीर का मज्जा, ओज और जीवनी शक्ति, ये तीन खर्च होती है वाणी बोलने से। इसीलिए वाणी सारगर्भित बोले, 10 शब्दों की जगह 7 में निपटारा करे और 2-3 घंटे रोज मौन का अभ्यास करे। गांधी जी हफ्ते में एक दिन सोमवार का मौन रखते थे और उस दिन ज्यादा अच्छे निर्णय अच्छे चिंतन के धनी बनते थे। छठी बात है अपने दोष दूर करने का दृढ़ संकल्प करें और उसमें शुभ संकल्प करें तो उसको लगे रहने का व्रत ले ले। आपके जीवन में सचमुच में थोड़े ही दिनों में बरकत आ जाएगी। स्मार्त कर्म, सकाम कर्म अपनी जगह पर है, अच्छा है, ठीक है, लेकिन भगवतीय कर्म की महिमा निराली है। राजा नृग ने सकाम कर्म किए थे, दान करूं मुझे स्वर्ग मिले, स्मार्त कर्म किए थे, लेकिन थोड़ी सी गलती होने पर वो दूसरे जन्म में किरकिट हो गया। गलती क्या हुई थी कि ब्राह्मणों को गौ दान दिया था और वो गाय किसी कारण दूसरे ब्राह्मण के पास चली गई थी, लेकिन वो राजा की गायों में आकर राजा से दोबारा वो दान हो गई थी। तो दोनों ब्राह्मण पड़ोसी थे तो आपस में खिंचा हुआ, तूने मेरी चोरी की, उसने बोले मेरी। तो ब्राह्मण आए तो राजा नृग से पूछा कि आपने हमको ये गाय दी थी, ने देख लो। तो एक बार तो महीना तक तो उसको धक्के खिलाया, बाद में सिर हिला दिया। दूसरे ने कहा राजन आप स्मृति करिए, आपने मेरे को दी थी, मैंने गाय चुराई नहीं, इनकी मेरी इज्जत का भी सवाल है, मेरे खानदान में कोई चोर नहीं और मैं चोरी करना पसंद नहीं करता हूँ, मेरा शरीर का चमड़ा उतर जाए लेकिन मैं चोरी पसंद नहीं करता हूँ, मैं सच कहता हूँ, आपने मेरे को ये गाय दान दी थी। तो राजा ने उसके तरफ भी सिर हिलाया। तो पहले वाले ने कहा राजन आप स्मरण करिए, आपने मेरे को दी थी ना, तो उधर भी सिर हिलाया। तो ब्राह्मणों ने देखा कि ये कैसा राजा है, महीना भर तो धक्के खिलाए और अब दोनों को हाँ हाँ कर रहा है, तो जा क्रिकेट की नाई सिर हिलाता है, तू क्रिकेट बनना। तो इतना स्मार्त और श्रोत कर्म करने के बाद भी राजा नृग क्रिकेट की जोनी में जा गिरा। जब भगवान कृष्ण के प्रिय ओधव साकेती कृतवर्मा जंगल में भोजन करके टहलने गए तो क्रिकेट कुएं में दिखा, उसको निकालने में विफल गए और कृष्ण को बुलाया और कृष्ण ने उसको निकालवाया और जरा देखा और अपनी योग शक्ति से क्रिकेट की सदगति की और देवता के रूप में प्रकट हुआ। तब अनजाने कृष्ण होकर पूछते हैं कि तुम देवता कहाँ से आए हो, कौन हो? तब वो क्रिकेट में से बना देव पुरुष कहता है कि भगवान आप सब जानते हैं, फिर भी लोगों को उपदेश देने के लिए अनजान होकर पूछते हो। तो माधव धरती पर राजाओं का यशोगान होता है, उसमें सबसे पहला नाम जिसका आता हो, दानवीरों में स्मार्त कर्मों में जो सबसे अव्वल नंबर में आता हो, अभी भी छड़ी पुकारने वाले लोग यशोगान करने वाले राजाओं में
जिस राजा का नाम बड़े विशेषता से लेते हैं, आकाश के तारे तो कोई गिन सकता है, जिस राजा ने इतनी गाय दान की थी कि वो आकाश के तारे गिन सकता है, उसकी गाय दान की गिनती नहीं होती। इस प्रकार राजा की प्रशंसा अभी जो सुन रहे हो आप, मैं वही अभागा हूं। तो कृष्ण कहते, अच्छा तुम राजा नृग हो? बोले हाँ देव। तो तुम्हारी ऐसी दशा? बोले कर्म फल की इच्छा से किए थे, इसलिए कर्म में कोई दोष होने से फिर मेरे को ये योनि मिली ब्राह्मणों के श्राप से। लेकिन दूसरे तरफ अजामिल वैश्या के चक्कर में आ गया था, पत्नी और परिवार और माता पिता से जुलम हो गया था, और वैश्या ने एक दो तीन बच्चे दिए, चार बच्चे हुए, पांचवा बच्चा हुआ, जब छठा बच्चा हुआ गर्भ में था तो साधुओं को जिमा रही थी, और साधुओं ने तो देखा नहीं कि ये वैश्या है या फलाना है, वो तो गृहस्थी बाई है और भूखे साधु थे। साधु जीम के खड़े हुए थे तो अजामिल आ गया, है साधु बाबा मेरे घर में कैसे घुस गए? साधु ने कहा तेरी पत्नी ने तो अन्न का दान किया है, लेकिन दान के बाद दक्षिणा जरूरी होती है, मनी ऑर्डर करने के लिए मनी ऑर्डर फी पहुंचानी पड़ती है, तो दक्षिणा हम तेरे से लेंगे। बोले महाराज मैं आपका ये करमंडलू झोली झंडा नहीं छीनता हूं, इतना ही समझ लो मेरी दक्षिणा। बोले नहीं दक्षिणा जरूर लेंगे, और नहीं रुपया पैसा, केवल तू अपने होनहार बेटे का नाम नारायण रखने का वचन दे दे। बोले कुछ देना तो नहीं पड़ेगा? बोले कुछ नहीं, इतना वचन दे दे। बोले अच्छा महाराज रख देंगे। तो ऐसे क्रिमिनल आदमी वचन के पक्के भी होते हैं। बेटे का नाम नारायण रख दिया। जब अकाल मृत्यु हो रही थी तो भयंकर दूत दिखाई दिए, जमदूत। तो प्यारे बेटे की याद आई, अरे नारायण बेटा नारायण नारायण, आखड़ी मुखड़ा दिखा दे बेटे नारायण। नारायण तो कहीं खेलकूद रहा था, लेकिन भगवान के पार्षद आ गए और दूतों को डांटा कि मूर्खों तुमको पता नहीं कि नारायण नाम स्मरण करने वाले का अकाल मृत्यु नहीं हो सकती है, उसको यम पाश में नहीं ले जा सकते हो। तो इस प्रकार यम दूतों को भगवान नारायण के पार्षदों ने डांटा और वो चले गए। अजामिल को 12 वर्ष की अकाल मृत्यु की राहत हो गई, और अजामिल बाद में महान सदगति और भगवान के धाम को प्राप्त हुआ। तो केवल बेटे का नाम नारायण नारायण, तो भगवान नाम में वो शक्ति है, और नामों में तो जाप की अपनी तपस्या होती है, लेकिन भगवान नाम में भगवत अनुग्रह काम में काम करता है। जैसे बच्चा अपने बल से चले उसकी अपनी शक्ति है, लेकिन पिता ने उंगली पकड़ ली है, अथवा बच्चे ने पिता की उंगली पकड़ी है, अथवा पिता ने हाथ पकड़ा है, तो बच्चे की चाल में तरक्की आ जाएगी और सुरक्षा बिल्कुल मजबूत हो जाती है। ऐसे हमारा मन रूपी बच्चा जो भगवान के नाम का आश्रय लेता है, तो कल झुके दलदल में गिरने से उसका बड़ा भारी बचाव हो जाता है। इसलिए बीच बीच में आप भगवान का नाम लिया करें काम करते समय। मैं आग्रह नहीं करता हूं कि आप हरिओम ही बोलिए, आप राम राम ही बोलिए, जिस भगवान के प्रति प्रीति हो आप उसका नाम लीजिए, केशव नारायण। जैसे राम बोलोगे तो राम के रकार से सूर्य तत्व आपके सूक्ष्म शरीर में डेवलप होगा, मकार से चंद्र तत्व। जब ओम बोलोगे तो मूलाधार स्वाधिष्ठान केंद्र में आध्यात्मिक वाइब्रेशन होंगे। 6 बार के बाद आप अगर ओम का उच्चारण करते हो तो एक प्रकार के आध्यात्मिक ओरा के तरंग निकलते हैं, बिल्कुल पक्की बात है। ऐसे ही शिव शब्द का अपना महिमा है, गोविंद राघव गोपाल हरि जो भी आपको प्यारा लगता है। तो भगवान नाम आप बीच बीच में लेते रहें, जिससे आपका शरीर मन और कलयुग के दोषों से बचने का सामर्थ्य बढ़े। अगर आपका कोई जन्म दिवस आता है तो आपका क्या करें, महामृत्युंजय मंत्र को घी दूध और शहद और दुर्वासा का मिश्रण करके अगर हवन करते हैं तो कितने भी आपके क्रूर ग्रह हो, ज्योतिषी ने बताए हो, या आपके जीवन में दुख और कठिनाइयां हो, मुसीबतें हो, क्रूर ग्रहों का कुप्रभाव हो, तो जन्म दिवस पर शहद घी और दूध और दुर्वा, घास आता है दुर्वा का,
वो दुर्वा ये अपने लॉन में भी होती है, वही